साथियों, विकास हमारी प्राथमिकता भी है और हमारी प्रतिबद्धता भी है। विकास का हमारा वादा भी इतना ही अटल इरादा भी है। आज देश जितनी तेजी से चल रहा है, उतनी तेजी से पहले कभी नहीं चला। आज देश में जिस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, वो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते। जिन लोगों ने सोच लिया था कि वो देश के कानून से भी ऊपर उठ चुके हैं, देश की अदालतों से भी ऊपर हैं, वो आज अदालत से जमानत की गुहार लगा रहे हैं। भाइयों और बहनों, इसी तरह तेज काम करने वाली सरकार देखना चाहते थे ना? 100 दिन के काम से आप खुश हैं क्या? आप लोग खुश हैं? ठीक कर रहा हूं, सही दिशा में जा रहा हूं, आपका आशीर्वाद है, आगे भी बने रहेंगे। अभी तो शुरुआत है, 5 साल बाकी है, बहुत से संकल्प बाकी है, बहुत से प्रयास बाकी है, बहुत परिश्रम बाकी है। इसी कड़ी में थोड़ी देर पहले छोटे किसानों, दुकानदारों और व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत की गई। मैं झारखंड सहित पूरे देश के छोटे किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं का आप लाभ जरूर उठाइए। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार हर भारतवासी को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने का प्रयास कर रही है। सरकार उन लोगों के साथी बन रही है जिनको सबसे ज्यादा सहाय की जरूरत है। इसी वर्ष मार्च से ऐसी ही पेंशन योजना देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चल रही है। श्रम योगी मानधन योजना से अब तक 32 लाख से ज्यादा श्रमिक साथी जुड़ भी चुके हैं। साथियों, 5 साल पहले तक गरीबों के लिए जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा और उनकी कल्पना के भी बाहर था, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। एक तो जानकारी का अभाव था और जिसे जानकारी होती थी वो ऊंचा प्रीमियम देख करके 100 बार सोचते थे, रुक जाते थे। वो सोचता था कि अभी की दाल रोटी की चिंता करें या फिर बुढ़ापे के बारे में सोचें। इस स्थिति को हमने बदलने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देश के सामान्य मानवीय के सामने रखी। सिर्फ 90 पैसे, आप सोच सकते हैं, सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया प्रति माह की दर पर दोनों योजनाओं के तहत 2-2 लाख रुपए का बीमा सुनिश्चित कराया है। अभी तक इन दोनों योजना से 22 करोड़ रुपए से ज्यादा 22 करोड़ से ज्यादा देशवासी 22 करोड़ से ज्यादा देशवासी इससे जुड़ चुके हैं और जिसमें से 30 लाख से अधिक साथी ये मेरे झारखंड के हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों योजनाओं के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम
अब तक लोगों को मिल चुका है। भाइयों बहनों, बीमा की ही तरह गंभीर बीमारी का इलाज भी गरीब व्यक्ति के लिए करीब करीब असंभव था। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेकर आए, यही झारखंड से उसकी शुरुआत की। इसके तहत अब तक करीब 44 लाख गरीब मरीजों का इलाज, उनको इसका लाभ मिल चुका है, जिसमें से करीब जो लाभ लेने वाले बीमार परिवारों में से थे, 3 लाख लोग झारखंड के बीमारी में फायदा उठाने वाले 3 लाख लोग मेरे भाई बहन हैं। इसके लिए अस्पतालों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। आयुष्मान भारत से गरीबों को इलाज मिल रहा है और वो कर्जदार होने से भी बच रहा है। अब उसको साहूकार के यहां जाकर के ब्याज की बड़ी बड़ी रकम देकर के अपना इलाज नहीं करवाना पड़ रहा।